सो कल मैं टेस्को गई तो वहाँ ये फर्स्ट रैक पे पड़े हुए थे। वैसे भी मेरे अंडे एक्सपेंसिव आते हैं तो मैंने कहा क्यों ना हम ये ट्राई करें। तो ये है टेस्को सिक्स, नहीं 1.69 पेंस के थे, 9 पेंस के, 6 फ्री रेंज। तुम लोग हर वक्त नखरे करते हो ना, हम नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। वेट वेट, पहले तवा गर्म होने दो ना। तो देखो कितने महंगी आती है चीजें जिसपे तुम लोग नखरे दिखा रहे होते हो। तो जिंदगी में मैंने पहली दफा नीले अंडे देखे, मैंने कभी देखे नहीं थे। मैं बड़ी एक्साइटेड होगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा चिकन के भी हैं या नहीं, लेकिन चिकन के हैं। अच्छा ये देखो ये ब्लू है, इसको जरा वो तो देखे। मैं ना इसको यहाँ ले आई हूँ बाहर ताकि सुबह की रोशनी में नजर आए। ये हल्का सा नीला अंडा है, मैंने पहली दफा देखा है, मैंने जिंदगी में कभी ये नीला अंडा नहीं देखा था। ये देखें ये नीला है, सफेद नहीं है। ये देखें ये नीला अंडा है। और एक बहुत मजे की चीज मुझे पता चली कि यहाँ पे हर अंडे पे ना मोहर लगी होती है। तो ये मोहर का मतलब होता है कि 0 का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक है, 1 का फ्री रेंज है, 2 का ये बार्न है, 3 का केज्ड। यानी मैं एक बहुत अच्छे अंडे लेके आती हूँ, वो बड़े अच्छे साइज के होते हैं। मुझे नहीं पता था कि वो जो है वो केस्ड हैंस के होते हैं, लेकिन वो अंडे बहुत अच्छे होते हैं। जैसे ये है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1 UK। तो ये 1 का मतलब है कि ये फ्री रेंज है। ये देखें आप एग कोड्स, तो ये 1 का मतलब है ये फ्री रेंज है अंडे। हाँ ये वाले नॉर्मल एग्स हैं, ठीक है। अब बताओ इनके ऊपर कहाँ लगी हुई है स्टैंप, ये नजर आएगी। Wow, these are bigger. ये जरा कंपनी बड़ी होगी ना। These are just normal eggs and these are blue. How did I get blue? Did I paint it blue? No. ये नेचुरल है ना, कोई चीज होगी ना उनकी, इसकी बहुत हल्की है। More smelling is different. I smell more different. ये दिखाने दो ना इसके ऊपर क्या स्टैंप लगी हुई है। Oh, it's just the same one. नहीं कुछ नहीं लगी हुई। 9 इसके स्टार्ट में 3 लिखा हुआ है। तो यदि वो इतना छोटा है कि वो नजर ही नहीं आ रहा कैमरे से, इतनी गुचगुचाई से। हाँ ये लिखा है 3। तो ये एग्स जो है ना, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, साइज के बड़े होते हैं, लेकिन ये फ्री रेंज नहीं है, ये केज थे, मुझे इसका पता ही नहीं था। और ये वाले जो है ये हमारे ऑर्गेनिक नहीं है, ये फ्री रेंज है। यानी इसमें मुर्गियों को ना घूमने की इजाजत होती है कि वो घूम सके बाहर। ये तो मैं इसका तोड़ती हूँ तो कैसे निकलते हैं। सो यस, तवा मैंने रख दिया है गर्म करने के लिए। यहाँ के अंडे बहुत डिफरेंट होते हैं, मतलब जब आप उनकी योग देखेंगे यानी जर्दी, वो काफ़ी अच्छे कलर्स की होती है और आपको लगता है कि आप वाकई जो है कुछ अच्छी चीज़ खा रहे हैं। इस दफ़ा मैं पाकिस्तान गई तो अंडे इतने स्मेली थे। मैं आजकल अंडे जो हैं वो देसी घी में बना रही होती हूँ, जो कि मेरा अपना घर का निकाला हुआ है, क्योंकि ये मैंने पाकिस्तान से सीखा, वहाँ सब लोग घी में अंडे बनाते थे, तो मैंने कहा मैं भी अपना घर में जाके घी निकालूंगी। तो अब आप देखेंगे ये अंडे जो है इसकी योक कितने अच्छे कलर की होगी और टेस्ट इतना अमेजिंग होता है। इस दफ़ा पाकिस्तान में अंडे इतने स्मेली थे कि जब मैं 2 महीने पाकिस्तान रही तो मुझसे अंडा नहीं खाया गया। मैंने बच्चों को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के खिलाए, लेकिन मुझसे नहीं खाए गए क्योंकि वो इतने ज़्यादा स्मेली होते थे। तो आई होप आपको ये ब्लू एग्स अच्छे लगे होंगे और मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। Photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over.